Only 5 dignitaries. Only 5 dignitaries. Candidate plus 4, bas. Zyada nahi. Cameraman, aisa to jaye. आपको लगता है कि करेंसी का स्टेटमेंट आया है अमित शाह का, लोग इस मामले में अपनी डेमोक्रेसी का मुजाहरा करेंगे? जी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, लोगों को लगता है ये भीख में दिया गया था। करण सिंह का जो बयान है वो बहुत ही ज्यादा मजाक खेज है। उनके अपने वालिद जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने 370 की बुनियाद रखी है और आज करण सिंह कोई और बोली बोलती है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही गलत है और ये उनकी शान को, उनकी शख्सियत को ये जेब नहीं देता। आपने कल अमित शाह को जवाब दिया था लेकिन आज उन्होंने कहा 2020 डेडलाइन होगी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35 पे। जम्मू कश्मीर की भी डेडलाइन होगी पूरे मुल्क को कि जो हमारा एक्सेशन है जिन शर्तों पे, अगर उन शर्तों को खत्म करते हैं तो जम्मू कश्मीर का रिश्ता भी मुल्क के साथ खत्म हो जाएगा। व्हाट अबाउट कांग्रेस मैनिफेस्टो जिसमें कहा गया था अफसपा में एग्रीमेंट? जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो बिल्कुल वही है जो मुफ्ती साहब ने एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी के साथ रखा था। 370 पे स्टेटस को, एसपा का रिवोकेशन, बातचीत करना, सिविलियन एरिया से आर्मी निकालना, वो लफ्ज ब लफ्ज वही है जो पीडीपी कहती है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खोलो स्पेयर कार तो नहीं है ये? स्पेयर कार तो नहीं है? स्पेयर कार वीरी साहब की गाड़ी अगर है उसको। This is the proof of that administration of oath. अमर साहब ये बताएं कि जो आपने रिफॉर्म करा है इसका सर बताएं सर रिएक्शन अमर साहब रिएक्शन ठीक सर इधर सीढ़ियों पे सर सीढ़ी पे सर तो क्या करेंगे महेश भाई करण सर? सर क्या दो बंदे आप बैठ कर रहे हो? ये दिया गया क्या कर रहे हो आपसे? मैं नहीं जानता ना, मैंने करण सिंह का ये बयान देखा नहीं है। आज ही है करण सिंह ने देखा नहीं, अब देखा नहीं तो मैं क्या बात। और उमर अमित शाह ने कहा है 2020 डेडलाइन है, पहले ही जवाब दिया। अरे वो तो डेडलाइन की बात कर रहे हैं। प्लीज अमर साहब क्या भाई